नमो बुद्धाय, मैं विक्रम, आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम। पकड़िए पैर। मैंने पैर बोला और सबने अपना सर पकड़ा है। दर्शकों देखिए, अपना विहार अपनी आवाज। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं अपना विहार अपनी आवाज इस कार्यक्रम में। दर्शकों, आवाज इंडिया टीवी चैनल का प्रयास है कि सभी विहारों को एक साथ जोड़ा जाए, सभी उपासक उपासिकाओं को संगठित किया जाए। इसी उद्देश्य को लेकर हम आपके लिए लेकर आते हैं अपना विहार अपनी आवाज। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बोधिसत्व ज्ञानोदय बुद्ध विहार, जो आता है दक्षिण इमामवाड़ा नागपुर महाराष्ट्र में। तो चलिए देखते हैं किस तरह का है ये विहार। दर्शकों, इस वक्त हो चला है त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। और जैसे कि हम आपसे हमेशा निवेदन करते हैं, आज भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा, और इसके बाद जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। अब वक्त हो गया है विहार को और अधिक जानने का, तो आइए विहार समिति के उपासक उपासिकाओं से
हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से वीआर की शुरुआत हुई, किस तरह ये कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य अभी बाकी है। माझं नाव शेखर पंढरे नारनवरे आहे। मी ह्या विहारातला एक प्रतिनिधी आहे। ह्या विहाराची स्थापना 1981 स्थापना झालेली आहे। विहारामध्ये अगोदर केवलराम पाटील हे सचिव होते आणि प्रभाकरराव माणिक हे अध्यक्ष होते। त्यांनी ह्या मंडळाची स्थापना केली। त्याच्यानंतर इथनं सामाजिक कार्याची सुरुवात झाली। मग हळूहळू ते कार्यकर्ते बबलू वाघमारे, नरेश दुपारे यांनी ह्या विहाराला हातभार लावला। मग त्याच्यानंतर विहाराची जबाबदारी महिला मंडळकडे आली। त्यांनी ते विहार लोकांच्या वर्गणीमधून उभं केलं। जय भीम। माझे नाव अमित भीमराव बागेश्वर। मी बोधिसत्व ज्ञानोदय विहारामध्ये खूप वर्षापासून कार्यरत आहे। विहारामध्ये आम्ही 14 एप्रिल बुद्ध जयंती, धम्मदिन, संघदिन, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन यासारखे विविध कार्यक्रम आज विहाराच्या माध्यमातून आम्ही राबवतो। त्याचप्रमाणे समर ॲक्टिव्हिटीजमध्ये पण आम्ही लहान मुलांना धम्माबद्दलचे मार्गदर्शन देत असतो। भिक्कूंना पण आम्ही राहण्याची व्यवस्था आज विहारामध्ये विहारातील महिला मंडळांनी केलेली आहे। त्याचबरोबर येणाऱ्या काळात सुद्धा आम्ही विहारात धम्मांचे प्रोग्राम आणि बाबासाहेबांचे प्रोग्राम हे कंटिन्यू राबत राहू। विहाराला डेव्हलपमेंट कसं करायचं, विहारामध्ये वेगवेगळ्या बौद्धिक संस्कृती कसं निर्माण करायच्या, त्यासाठी आमचा प्रयत्न सुरू आहे। लहान मुलांना बौद्धिक संस्कृतीच्या माध्यमातून जवळ करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस आम्ही सुरू करणार आहे। त्या माध्यमातून विद्यार्थी वर्ग हा विहारामध्ये येईल आणि तिथून बौद्ध धम्म संस्कृती हा आपल्या घराघरामध्ये पेरण्याचं काम करेल। त्याही व्यतिरिक्त आमच्या विहाराच्या वरती मुलांसाठी अभ्यास करण्यासाठी लायब्ररीची व्यवस्था आम्ही करणार आहे। दर्शकों, उपासक उपासिकाओं से हमने जाना कि किस तरह से विहार की स्थापना हुई थी, किस तरह से ये कार्य कर रहा है। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आज का सुविचार। आपका मुकाबला किसी और से नहीं, अपने आप से है। अगर आप बीते कल से आज खुद को बेहतर समझते हैं और बेहतर हालात में हैं, तो समझ लीजिए आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। इसी विचार के साथ लेते ब्रेक। बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज। पकड़िए पैर दर्शकों, मैंने सबसे पैर कहा था और सबने अपना सर पकड़ा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। अब आपके लिए पेश है एक प्यारी सी बोध कथा। बोध कथा भले ही कहने में सुनने में छोटी हो, लेकिन इसके पीछे का जो मकसद होता है वो बहुत बड़ा होता है। और इससे जो हमें प्रेरणा मिलती है, जो दिशा मिलती है, जो हमारे जीवन में प्रकाश आता है, वो शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है। तो आइए सुनते हैं आज की ये प्यारी सी बोध कथा। कहानी है एक घर की, जहाँ पे बुजुर्ग पिता है और उनके बेटे, उनकी बहू और उनका पोता रहते हैं। ये परिवार बड़ा प्यारा परिवार है। सभी मिलजुल कर साथ में एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। कुछ समय बाद ऐसा होता है कि पिताजी, जो बूढ़े हो चुके हैं, वो थक से जाते हैं और खाते समय जब खाना खा रहे हैं तो खाना उनकी टेबल पर गिरता है, उनके कपड़ों पर गिरता है। ये देखकर बहू को खींच आ जाती है। वह कहती है, ये कैसे खाना खा रहे हैं, बोले इन्हें देखकर मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है, इन्हें आप अलग बिठा कर खाना खिलाइए करके। तो उनके पति को भी लगता है कि हाँ, ये किस तरह का खाना खा रहे हैं, छोटे बच्चों की तरह कर रहे हैं, और वो अपने पिता को अलग से टेबल पर बिठाना शुरू कर देते हैं। ये सारी बातें उनका बेटा यानी कि उस बुजुर्ग का पोता सारा देख रहा था नज़ारा। और बड़ी प्यार से उसने अपनी माता से कहा कि मम्मी, जब मैं बड़ा होऊंगा ना, तब मैं भी ऐसे ही करूंगा। बोले, क्या करोगे बेटा? बोले, अभी जैसे दादाजी खाना गिरा देते हैं, ये करते हैं, तो आप उन्हें अलग से बिठा दिया है, हमारे साथ में नहीं खिलाते हो, तो जब मैं बड़ा होऊंगा ना और आप भी इस तरह खाना गिराओगे ना, तो मैं भी आपको इसी तरह बिठा कर खिलाऊंगा, ये मैं सीख रहा हूँ। बोले, उस बहू को और उस बेटे को उनकी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत अपने पिताजी को वापस उसी टेबल पर लेकर आते हैं जिस टेबल पर वो हमेशा साथ खाना खाते थे। और पिताजी कहते हैं कि मैंने ये सब जानबूझकर किया था।
याद है बेटा, जब तुम बच्चे थे तब तुम कई बार खाना गिराते थे, लेकिन मुझे कभी उससे घृणा नहीं होती थी। मैं मेरे बड़े प्यार से तुम्हें खाना खिलाता था, और आज जब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो तुम्हें उसी बात की घिन आती है। दर्शकों, हम यही कहना चाहते हैं कि आप अपने माता पिता की सेवा करें, और जिस वक्त उन्होंने आपको इतना पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है तो उनकी भी भावनाओं को समझें, उनकी उम्र के तकाजे को भी समझें। कुछ गलतियां हो सकती भी है, बुढ़ापे का तकाजा है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखकर प्यार में कमी ना आने दें और ना ही सम्मान में। तो दर्शकों, ये थी आज की बोधकथा। उम्मीद करते हैं आपको ये बोधकथा ज़रूर पसंद आई होगी, और हाँ, आपके पास भी इस तरह की कोई बोधकथा है तो हमें ज़रूर भेजिए, लेकिन जब भेजें तो अपना नाम और पता उसमें ज़रूर लिखकर भेजें, ताकि जब हम उसे इस कार्यक्रम में शामिल करें तो आपके नाम के साथ करें। वक्त है सामूहिक आवाज़ सुनने का, यानी कि आपकी आवाज़ सुनने का। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा सामूहिक गीत। भारतीय घटने शिल्पकार घटने शिल्पकार दर्शकों, एक बार फिर से मैदान सज चुका है, खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है वही गेम खेलने के लिए, जिस गेम का नाम है भीम का दीवाना। जी हाँ, भीम का दीवाना हम खेलने जा रहे हैं। रूल्स और किस तरह हम खेलने जा रहे हैं आपको बता दूं दर्शकों, और इनको भी बता दूं फटाफट। रूल्स ये है कि इनको सबको जय भीम 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 कहते रहना है, और इस बीच मैं हाथ पैर नाक कान सर इसमें से जिस चीज को कहूँ उस चीज को छूना है खुद की। आप सोच रहे बहुत आसान है, तो आइए देखते हैं ये आसान कितना आसान है इनके लिए। एक ट्रायल लेते हैं हम पहले। सर को हाथ लगाएं, देखा दर्शकों हाथ नीचे ले, सब नॉर्मल है, बड़ी आसानी से इन्होंने कर दिखाया है। अब देखना ये कि गेम शुरू होने के बाद क्या ये कर पाते हैं क्या, आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आइए इनकी हालत देखते हैं क्या होती है। तो अब आपका समय शुरू होता है। अब जय भीम जय भीम, पकड़िए पैर। दर्शकों, मैंने सबसे पैर कहा था और सबने अपना सर पकड़ा है। दर्शकों, जब हम जय भीम कहते हैं तो अपने आप को हम भूल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमारे पैर कहाँ है और हमारा सर कहाँ है, जैसा कि इनके साथ हुआ, और आज भी बाबा साहब का जादू चल गया है। और हाँ, हम कहते हैं कि मैं भीम का दीवाना हूँ और हम सारे भीम के दीवाने हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बोध कथा, भीम का दीवाना, सामूहिक गीत, बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहे हैं। तो बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज। प्रतिमाएं वहाँ 16 फोटो में। प्रतिमाएं मूर्तियाँ कितनी रखी हुई? 3। यथाशक्ति धम्मदान करेंगे। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज में वक्त हो गया है सवाल और जवाब का। आप देख सकते हैं सारे उपासक उपासिका इस वक्त मेरे साथ सवाल और जवाब के लिए तैयार हैं। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं उन सवालों के जवाब जो इसी विहार से संबंधित है। मेरा पहला सवाल ये है कि इस विहार में महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की कितनी प्रतिमाएं रखी हुई है, कौन बता सकता है? हाथ ऊपर करें, आ जाए यहाँ पर। प्रतिमाएं वहाँ 16 फोटो में। प्रतिमाएं मूर्तियां कितनी रखी हुई है? 3। मैंने सवाल ये किया था कि महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं कितनी रखी है, इनका जवाब है 3, और जो एकदम सही जवाब है जोरदार तालियां। मेरा दूसरा सवाल यह है
कि इस विहार का उद्घाटन ये बनकर तैयार जो हुआ था वो उद्घाटन किस दिन किस महीने और कौन से साल में हुआ था, कौन बता सकता है? हाथ ऊपर करें। 1881 ला झाला उद्घाटन, सुरेश असे बनते जी चादर। 18/5/1881 को हुआ है ऐसा इनका कहना है। हाँ, 1981 में हुआ है। ओके, अभी 2081 तो आना बाकी है। तो इनका जवाब दर्शकों मैं आपको बता दूं, बाकी भी उत्सुक थे जानने के लिए, और इनका जो जवाब है आप जा सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां इनके लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विहार के बाहर ही एक शिला लेख है जिस पर बाकायदा ये तारीख लिखी हुई है। चलो, मेरा अंतिम सवाल ये है कि इस विहार में विश्व रत्न बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर कुल कितने चित्र हैं? आपने एक जवाब दिया, आप देखते हैं दूसरा जवाब आपका सही आता है क्या, बताएं। छोटे बड़े मिलके पूरे 17 हैं। जी नहीं दर्शकों, इसका जवाब मैं ही देता हूं, ये सिर्फ एक नंबर पीछे रह गए, 18 है, 17 नहीं है, 18। एक बार आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं। ओके दर्शकों, सवाल जवाब का राउंड हम यहीं खत्म करते हैं, बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज में, वक्त है फिर से सबके साथ मिलकर शपथ लेने का और आपको भी हमारे साथ शामिल करने का। जी हाँ, हम हर विहार में शपथ लेते हैं कि बाबा साहब ने जो हमें आदेश दिया है उसका हम पालन करेंगे, और वो आदेश ये था कि हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ये उसका आद्य कर्तव्य है। तो आइए हम मिलकर शपथ खाएं। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्धजन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम ये शपथ ग्रहण करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ ली होगी। हाँ, न सिर्फ ली होगी बल्कि आप इस शपथ का पालन भी जरूर करेंगे। दर्शकों, अब वक्त है किन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, कौन है वो देखने का। लेकिन कौन सी जिम्मेदारी और किन्हें हम देखना चाहते हैं? वही जिन्होंने आवाज इंडिया टीवी को मजबूत बनाने के लिए साल में एक विज्ञापन आवाज इंडिया टीवी को दिया है। आप भी अपने घर पर होने वाले जन्मदिवस, शादी की सालगिरह, स्मृति दिन या फिर कोई भी अन्य कार्यों के लिए एक विज्ञापन तो भी कम से कम आवाज इंडिया टीवी पर अगर देते हैं तो आप भी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। तो आइए देखते हैं आज हमारी इस जिम्मेदारी को किस किस ने निभाया है। मैंने आवाज इंडिया को ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई? मैंने आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई? मैंने आवाज इंडिया टीवी पर ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई? मैंने आवाज इंडिया टीवी पर ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई? मैंने आवाज टीवी पर ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई? तो दर्शकों, ऐसा था बोधिसत्व ज्ञानोदय बुद्ध विहार जो आता है दक्षिण इमामबाड़ा नागपुर महाराष्ट्र में। इसे देखकर आपके दिल में भी आ रहा होगा कि काश अपना विहार भी
अपना बिहार अपनी आवाज़ में दिखाई दे तो कितना अच्छा हो। तो आपके इस विचार को हम हकीकत में बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक कदम आगे बढ़ाना है। ये जो नीचे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, इस पर आप हमें आपके बिहार का नाम, अपना पता और संपर्क के लिए कॉन्टैक्ट नंबर लिखकर भेजें। जब हम आपके परिसर में या आपके शहर में या आपके राज्य में आएंगे तो हम आपसे खुद होकर संपर्क करेंगे और आपका बिहार, आपकी आवाज़ को दुनिया तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे विक्रम को दीजिए इजाज़त। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अपना बिहार अपनी आवाज़ को आप देख सकते हैं सोमवार से शुक्रवार हर रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 8:30 बजे। साथ ही अगर आपके पास अच्छी बोध कथा है, अच्छे सुविचार है, अच्छे सुझाव है, कोई अच्छे गेम है जो हम इस कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं तो वो भी हमें ज़रूर भेजें। तो बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें अपना बिहार अपनी आवाज़। Thank you.